तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने रूट चेंज कर दिया है, बारापुल्ला पे मैं नहीं गया हूँ ड्यू टू वहाँ पे ट्रैफिक का कोई पता नहीं है, क्योंकि छोटा फ्लाईओवर है और ट्रैफिक के ज्यादा चांसेस हैं, तो मैंने अगेन सेम ही रूट से ले लिया है, क्योंकि जाने में जब मैंने चेंज नहीं किया तो आने में मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम मैं 100% श्योर कर रहा हूँ कि आपसे बिल्कुल चेंज करूंगा मैं रूट। और आप ये देख सकते हैं मैं अभी यहाँ पे जो है प्रगति मैदान से मैंने लेफ्ट लिया है, और अब आगे जो रेड लाइट आपको दिख रही होगी थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ से मेरे को जो है राइट लेनी है आप देख सकते हैं, और जो भी रहने वाला है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी की चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ मैं सारी जो है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, अभी ट्रैफिक बढ़ गया है यहाँ पे, इतना टाइम नहीं लगता था, तो जैसा भी रहेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो चलिए दोस्तों जब यहाँ से निकलूंगा आगे अगर कहीं मेरे को मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको गुड़गांव पहुँच के ही दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा लंबी नहीं रखना चाह रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो बना के रखना चाह रहा हूँ, दो पार्ट में ही आएगी दोस्तों ये वाली भी अपनी वीडियो। तो चलिए दोस्तों कर, तो फ्रेंड्स रूट मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूं, पीछे वीआईपी कुछ मूवमेंट चल रहा है तो पुलिस वालों ने और आर्मी वालों ने रोक रखा है जो रास्ता है, मे भी हो सकता है कि या तो प्रधानमंत्री जी कहीं आ जा रहे होंगे या हो सकता है केजरीवाल आ जा रहा होगा, कुछ ना कुछ वीआईपी मूवमेंट है, तो उन्होंने जो तीन मूर्ति रोड थी उससे हमें डाइवर्ट कर दिया है, कोई दूसरी रोड है, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कौन सी वाली रूट पे डाइवर्ट किया है, बाकी की अब देखते हैं, मे भी हो सकता है अब हम जो है अपना धौलाकुआ वाले रूट पे निकलेंगे, तो ये अपना आईजीआई एयरपोर्ट के लिए लेफ्ट दिखा रहा है, न्यू दिल्ली के लिए राइट स्टेशन के लिए वो, तो हम यहाँ से आगे से लेफ्ट ले लेंगे और अपना जो है आईजीआई एयरपोर्ट वाले के लिए हो सकता है फिर से हम वापसी वहीं पर आ जाएं। तो इस बीच वाले रास्ते पे जो ये प्रगति मैदान और ये अपना जो इंडिया गेट वाला रास्ता है इस पर थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है, कभी कभी क्या होता है वीआईपी मूवमेंट की वजह से ये रास्ता रोक देते हैं, और जब रोक देते हैं तो फिर क्या होता है थोड़ा डाइवर्सन हो जाता है, और अपना बारापुल्ला पे ट्रैफिक का इश्यू रहता है, तो ये तो भी फिर भी चलो ठीक है बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं घूमना पड़ेगा, बट अगर उसकी बात करो बारापुल्ला की तो उस पर तो एक बार फंस गए तो इधर उधर भी नहीं जा सकते क्योंकि वो तो है ही बिल्कुल नीचे ना। तो अभी यहाँ पे लेफ्ट दिखा रहा है धौलाकुआ के लिए, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, तो अपना धौलाकुआ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा अपना रूट गुड़गांव वाला अपने को मिल ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये आपके लिए नया रूट मैं दिखा देता हूँ आज, ये अपना जो रूट है अगर स्टेट जाएंगे तो ये अपना नई दिल्ली को चला जाएगा, करोल पाक को निकल जाएगा, पहाड़गंज को, झंडे वालन को, उधर को निकल जाएगा आपका, और लेफ्ट में गुड़गांव के लिए निकल जाता है, और ये अपना आ ही रहा है इधर से अपना सफदरजंग से और उधर से, तो ये सारी चीज़ें हैं अपनी, बाकी की चलिए दोस्तों जो भी रहने वाला है मैं आपको वीडियो में शेयर करता रहूँगा। तो ये आप देख सकते हैं अभी हम पूरा स्टेट धौलाकुआ वाले रोड पे आ गए हैं, और ये अपना गाड़ी यहाँ से दिख जाएंगी आपको दिल्ली की जो गाड़ियाँ हैं, हल्का ट्रैफिक स्लो मिलेगा धौलाकुआ तक, उसके आगे बिल्कुल क्लियर मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों जो भी रहेगा मैं फाइनल आपको गुड़गांव में पहुँच के ही दिखाऊंगा, दिल्ली में तो क्या ही दिखाना है आपको मैंने बता ही दिया है, तो ये अपना रूट है। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा लग रहा होगा मेरी वॉइस थोड़ी सी डाउन है, और मैं रात पूरी तरीके से सो नहीं पाया था, 2 बजे लेटा था और उसके बाद ही मेरे को नींद आई थी, और सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठ गया था, थोड़ा सा आपको गांव का व्यू दिखाना था खेतों का, और बाकी की मेरे को रिटर्न भी होना था, तो अभी भी तो मतलब हल्का सा, एक तो कल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला है तो थोड़ा सा अपसेट सा हूँ, और बाकी की बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये है पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहेगा, इसका कुछ नहीं हम कर सकते, और बाकी की मैं फिर लेट नाइट पहुंचा था, सो नहीं पाया हूँ तो थोड़ा सा थकान सी मेरे को लग रही है, बाकी की ये थोड़ा सा रिमूव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी गुड़गांव में जा रहा हूँ, अभी मेरे को 1 घंटा और लगेगा, 1:30 तक अप्रॉक्स मैं गुड़गांव पहुँचूंगा, और वहाँ पर भी जाके मेरे को फिर 2 काम है, मेरे को स्कूटी लेके आनी है और वाइफ को लेके डॉक्टर के जाना है, उसको वो लगवा के लानी है, अपना जो है इंजेक्शन लगवा के लाना है देसी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो इस वजह से। बाकी की रूट मैंने बता ही दिया था थोड़ा चेंज हो गया, अभी मैं धौलाकुआ वाले रूट पे आ गया, यहाँ पे दो एक लाइट है जो कि काफ़ी बड़ी है, ये जो अभी आगे लाइट है इसके बाद थोड़ा ट्रैफिक कम मिलेगा, और धौलाकुआ वाले रूट पे चढ़ जाएंगे तो फिर ट्रैफिक की टेंशन नहीं रहने वाली है। तो यही था दोस्तों, बाकी की चलते रहेंगे तो आपको बताता रहूँगा, 2 पार्ट में रखूँगा इस वीडियो को, आप कंटिन्यू देखें, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस तरीके का कंटेंट हम आपके सामने लेके आते रहेंगे, और आप भी बताइए आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, मैं कोशिश करूँगा उस तरीके का कंटेंट लेके आऊँ अपने चैनल पर।
तो दोस्तों चलिए आगे गुड़गांव में पहुंच के मैं आपको दिखाता हूँ जो है। यहाँ पे लाइट भी ओपन हो गई है, मेरे को गाड़ी चलानी है, तो यहाँ पे पुलिस का ज्यादा डर है दिल्ली में, है ना, कैमरा ज्यादा देर ले नहीं सकते हाथ में। जो फाइनली अभी हम गुड़गांव में एंट्री करने वाले हैं, अभी मैंने ये महिपालपुर वाला जो फ्लाईओवर है क्रॉस किया है, यहाँ पे स्पीड लिमिट है आप देख सकते हैं 17 और 40 की, तो यहाँ पे मतलब यही है स्पीड लिमिट हो गई है। और गुड़गांव में जैसे हम एंट्री कर जाएंगे वहाँ पे 80 की स्पीड लिमिट है, क्योंकि ये दिल्ली टू जयपुर हाईवे है, NH 58 है, और बाकी की अब ट्रैफिक पीछे मिला था दोस्तों जिस रेड लाइट पे मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद स्लो मिला था धौला कुआ तक, और अभी धौला कुआ से मतलब क्लियर है, अभी तो नहीं मिला है, बट हल्का वल्का स्लो वगैरह है कहीं कहीं पे, तो देख सकते हैं आप अभी अपना ओके है। अब नहीं लगता मेरे को कि मिलेगा, थोड़ा बहुत कटारिया चौक वगैरह पे मिल सकता है और कहीं रेड लाइट पे मिल सकता है, बट अभी क्योंकि 12:54 हो रखे हैं तो चांसेस कम है। उधर दिल्ली की तरफ से आने की तरफ तो अभी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको अगर थोड़ा बहुत दिख पाएगा तो देखना, क्योंकि मेरे को तो विजिबिलिटी कम हो रही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मतलब पीछे भी, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको दूसरी साइड में, थोड़ा ध्यान देना आप जो मतलब उधर से ट्रैफिक है अभी मतलब, तो आप देख सकते हैं कि अभी ना तो ऑफिस टाइम है ना कुछ है, बट एक चीज यहाँ पे एडवांटेज बढ़ जाता है यहाँ पे कि आपका जो है ये जो अपना जो है कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है ये बढ़ता है, अगर एयरपोर्ट है तो उसके पास जाता है, ये वहाँ तक रहेगा आगे लेफ्ट कट तक, जो गुड़गांव से हम जाते हैं दिल्ली की तरफ टर्मिनल 2 के लिए जो एयरपोर्ट के लिए रोड जा रहा है, ये वहाँ तक ट्रैफिक मिलेगा, उसके आगे थोड़ा कम हो जाएगा। तो यही है दोस्तों, ट्रैफिक तो आपको जूझना ही पड़ेगा क्योंकि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, मास्क वगैरह भी लगा रहे हैं बट अब ना के बराबर है दिल्ली NCR में, और गाड़ी में अगर सिंगल बंदा चलता है तो उसको मैंडेटरी नहीं है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैंने जैसे आज लगाया नहीं, और कई बार कई जगह मेरे को पुलिस वाले दिखे हैं तो कहीं पे भी अपने को जो है रोका नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। चलिए फाइनली मैं आपको एक बार जो है अभी एंट्री करी नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही कैमरा ऑन कर लिया था, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था बट वो मिस हो गया मेरे से, क्योंकि मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि कोई दुर्घटना घटे गलती के चक्कर में, तो नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा बहुत चीजें आपको, अभी नहीं बताऊंगा वो क्या है। तो हैप्पी जनवरी करके लिखा है, अभी दिल्ली अपना एंटर हो चुका है, मतलब गुड़गांव में एंट्री हो चुकी है, दिल्ली अपना बाईपास निकल चुका है। एक बार मैं आपको एम्बियंस मॉल तक और दिखा देता हूँ, फिर वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, मेरे को हाफ एन आवर और लगेगा, जो मैंने 130 का टारगेट लिया था मोस्ट पब्लिक वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं उधर से आने की तरफ मतलब बड़ा खतरनाक ट्रैफिक, आजकल हर जगह ट्रैफिक मिल रहा है, मतलब कैसे होगा, मतलब कुछ टाइम बाद तो धीरे धीरे गाड़ियां बढ़ ही रही हैं, रोड छोटे पड़ रहे हैं, पब्लिक बढ़ रही है, समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले टाइम में क्या होगा, मतलब वो मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या होगा, इतनी पब्लिक बढ़ रही है। तो देखते हैं दोस्तों, जो भी होगा सो होगा, ट्रैफिक तो जूझना ही पड़ेगा आपको आने वाले टाइम में। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपना, अभी हम एम्बियंस मॉल पे अपना एंट्री करने वाले हैं दोस्तों, तो अभी ट्रैफिक तो नहीं है। बाकी की दोस्तों अगर वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ बोरिंग लग रहा है तो मेरे को कमेंट में बताइए, और क्या चीज मैं स्किप करूं, क्या चीज मैं ऐड करूं वो मेरे को बताइए, क्योंकि अभी मैं रूट का आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैं ज्यादातर अभी वो अपने होम की ट्रेवल कर रहा हूं बहुत ज्यादा, इन फ्यूचर थोड़ा कम हो जाएंगे, और 2-3 महीने की बात है, तो अभी तो मतलब हर महीने कभी 2 भी लग जाते हैं महीने में, और कभी 1 तो लगना ही लगना है। तो ये आपका फाइनली टोल आ गया है, जो कि गुड़गांव से दिल्ली में जब एंट्री करते हैं वो टोल आ गया है अपना, और यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा सा बोर्ड लिखा होगा कि आपको जो है जयपुर के लिए गुड़गांव के लिए सीधा केंद्रीय बिहार और बिहार के लिए लेफ्ट आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पे कंपनियाँ स्टार्ट हो जाती है गुड़गांव की, आप देख सकते हैं रेडिशन भी आपका है यहाँ पे, और बाकी की अपना MBS मॉल आपके सामने और थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, अपना रेडिशन मॉल भी और यहाँ पे जो है MBS मॉल भी है, और आपको जो MBS टावर भी इधर है अपना देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी अपनी जो है इस 80 की स्पीड लिमिट हो गई है, तो अभी यहाँ पे जो है अपना
गुड़गांव में हमने एंट्री कर दी है जैसा कि मैंने बताया था। बाकी के दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ बहुत ज्यादा ना लंबी करके, क्योंकि अभी हाफ एन आवर में पहुंच जाऊंगा। इसके बाद तो आपने देखा ही है मैं ये था कि किस रूट से मैं आ रहा हूँ, और टोटल जो भी दोस्तों जो चीज मैं मिस कर रहा हूँ 134 किलोमीटर चढ़ा है, 10 किलोमीटर और मानो मेरा जो होम है। बाकी की यही था दोस्तों, करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।